नमस्कार, चौपाल समाचार की ताजा खबर में आपका स्वागत है। आज द पुलर्स पार्टी की पुष्पम प्रिया चौधरी ने मुजफ्फरपुर विधानसभा क्षेत्र की प्रत्याशी डॉक्टर पल्लवी सिन्हा के समर्थन में रोड शो किया है। उन्होंने मुजफ्फरपुर के सुप्रसिद्ध बाबा गरीबनाथ के प्रांगण में आकर पूजा अर्चना भी की। इस शो के विषय पर पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर पल्लवी सिन्हा ने चौपाल समाचार से बात करते हुए बताया कि आज हमारी पार्टी के शीर्ष की नेत्री पुष्पम प्रिया चौधरी के साथ हमने लोगों से जुड़ने के लिए यह रोड शो किया, जो कि बहुत ही सफल रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि हम और हमारी पार्टी मुजफ्फरपुर के विकास के लिए लगातार काम करती है और आगे भी करती रहेगी। आप देखें चौपाल समाचार में वरीय संवाददाता अभिषेक आनंद की रिपोर्ट। जी बताएं, आज का रोड शो कैसा रहा आपका? जी बहुत अच्छा रहा, बहुत ही धमाकेदार रहा। और जो कहीं हम लोग से मिस हो रहे थे, जिन लोगों से हम कांटेक्ट नहीं कर पा रहे थे, जहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे थे, वो सब लोग आज हमारे साथ जुड़ गए और पूरे शहर में एक धमाका मच गया कि हाँ अब कोई आ गया है और इसे ही हमें सरकार बनाना है। अभी इस बार के चुनाव में आपकी क्या 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 मुद्दे हैं जिस पर आप बात कर रहे हैं लोगों से? जी क्या क्या मुद्दे हैं जिस पर आप बात कर रहे हैं लोगों से? हमारा सबसे पहला रोजगार का मुद्दा है, जो बिहार में बहुत ही खत्म हो चुका है और बिहार में बेरोजगारी सबसे ज्यादा बढ़ गई है। उसके अलावा हम शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर और सबसे ज्यादा जो ध्यान देंगे वो मुजफ्फरपुर का जो चेहरा है उसको बदलने के लिए, जो कूड़ा कचरा गंदगी जल जमाव नाला हर जगह, अराजकता हर जगह, गंदगी हर जगह जाम, उसको एक खूबसूरत सुंदर सुव्यवस्थित चौड़ी सड़कों वाला फ्लाईओवर्स के साथ और विद अ पार्किंग, विद अ लाइब्रेरी एक अच्छी सी हो, जहाँ पर खेल का मैदान हो, जहाँ अच्छे अच्छे स्कूल आए, जहाँ यूनिवर्सिटीज बने, वैसे सपना देखा है मैंने मुजफ्फरपुर का और वो पूरा करने की कोशिश करूँगी। चौपाल समाचार के माध्यम से आप अपनी जनता को क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि अगर आप चाहते हैं कि सरकार बदल जाए, आप चाहते हैं कि अब आपके साथ कुछ अच्छा हो, कुछ पॉजिटिव हो, जो कि पिछले 10-15-20 सालों में नहीं हुआ है, तो हमें चुने, हम एक सच्चाई और एक संकल्प के साथ आए और हम वो करके दिखाएंगे। थैंक यू।